सोलो फ्रेंड एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गूगल कमेंट स्टेकिंग नए ब्लॉग में। तो गाइस यार आज हम लोग जाने वाले हैं कुंभ मेले में। आप सभी को पता है यार मकर संक्रांति आज है और हम लोग जाने वाले हैं कुंभ मेले में। आज हमारे साथ है संजय भैया, पंकज सर, गूगल कमेस्ट्री के फाउंडर सोमेश सर और रियल कॉन्सेप्ट के फाउंडर विनय सर, और साथ में हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करने वाले। तो सभी लोग यार ब्लॉग को पूरी देखना, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और यहाँ पर देखो विनय सर हैं, सोमेश सर हैं, पंकज सर हैं, मैथ एक्सपर्ट हमारे सत्यम सर हैं, और यहाँ पर है देखिए राहुल सर और बड़े भैया। तो सभी लोग हम लोग चलते यार ब्लॉग, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा ब्लॉग को, आप सभी लोग पूरी देखना, इंटरेस्ट लेकर देखना। और ये देखो गाइस यार अभी हम लोग आगे ही बढ़ रहे थे, तो सबसे पहले यार इधर से दूर से आप लोग इस पूरे मेले का नज़ारा देखिए एक बार, कितना ज़्यादा कितना अच्छा लग रहा है। इतनी ज़्यादा भीड़ है आज यहाँ पर, वैसे भी कोरोना की वजह से थोड़ा कम भीड़ है सर ऐसे बता रहे थे, और इससे पहले जो मेला लगता था और बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी, लेकिन इस बार कुछ कम भीड़ है कोरोना की वजह से। आप सभी को पता है कोविड बहुत तेज़ फैल रहा है हमारे देश में वापस से, तो आप लोग भी थोड़ा दूरी बनाकर रहिएगा ताकि कोरोना आप लोगों को ना हो। चलिए आगे आप लोगों को बढ़ते हैं और मेले में आप सभी को पूरा घुमाते हैं। तो गाइस यार हम लोगों को बाइक खड़ी करनी पड़ी क्योंकि आगे हम लोगों को पैदल जाना पड़ेगा। और यहाँ से आप लोग देखिए सोमेश सर हैं, संजय सर हैं और हमारे विनय सर हैं, और यहाँ से देखिए यार कितना ज़्यादा भीड़ है। भीड़ तो ऐसे बहुत कम है लेकिन यार भीड़ तो फिर भी है। चलिए यार वीडियो को पूरी आगे करते हैं और आप लोगों को आगे भी घुमाते हैं। तो भाई लोग हम लोग आ चुके हैं एकदम मेले के बीचों बीच। यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है, और भीड़ के साथ जो भी भक्त लोग या फिर जो भी यहाँ पर नहाने आते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, तो यहाँ पर यार फ्री ऑफ कॉस्ट भंडारा चल रहा है। सब लोग यहाँ पर लाइन लगाकर आनंद ले रहे हैं इस भंडारे का। तो जो अगर आप लोग भी आना चाहते हो तो भंडारे का आनंद आप लोग भी ले सकते हो। और यहाँ पर देखो यार भीड़ इस साल बहुत ही कम हुई है सर ऐसा बता रहे थे। और यहाँ पर आप लोग यार इंतज़ाम देखिए, यहाँ तैयारी देखिए कितनी अच्छी खासी तैयारी हुई है ताकि किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो पाए इस मेले में, इतनी अच्छी से तैयारी की गई है इस मेले में। अगर आप लोग भी आना चाहते हो तो आ सकते हो यार, मेला कंटिन्यू अब आगे भी रहेगा। चलिए यार वीडियो को आगे करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो भाई लोग पूरी टीम यहाँ से देखिए पैदल चल रही है आराम से पूरे मस्त मेले का एकदम मज़ा लेते हुए, और पंकज सर भी यहाँ पर मेले का मज़ा ले रहे हैं। अगर आप लोग भी आना चाहते हो मेले का मज़ा लेने तो आ सकते हो, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है लेकिन फिर भी भीड़ ठीक ठाक ही है, एकदम इंतजाम एकदम ठीक ठाक है। आप लोग कोरोना के डर की वजह से ना आए ऐसी कोई बात नहीं यार, व्यवस्था एकदम ठीक ठाक की गई है। आप लोग भी आना चाहते हो तो आ सकते हो यार। चलिए आप लोगों को पूरी आगे की वीडियो भी दिखाते हैं, अभी आगे भी मज़ा आएगा। तो भाई लोग हम लोग आ चुके एकदम संगम तट पर, यहाँ से थोड़ी दूर पर हमारा तट है जहाँ पर मतलब किनारा है, जहाँ पर सब लोग स्नान कर रहे हैं। अभी हम लोग देखिए यहाँ से पूरी टीम जा रही है, सब लोग जा रहे हैं और लोग पीछे ही रह गए अभी। तो पहले सब लोग एक साथ मिलेंगे और फिर हम लोग जाएंगे एक साथ सभी लोग। और यहाँ पर देखो यार कितनी ज़्यादा भीड़ है नदी के किनारे, कितने ज़्यादा भीड़ और सब, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन फिलहाल भीड़ तो ठीक ठाक है, आप लोग खुद वीडियो में देखो यार। और भाई हम लोग आ चुके एकदम जहाँ पर सब लोग नहा रहे, तो सर लोगों को लग रही है ठंडी लेकिन अभी हम लोग आगे नहाएंगे यार। नदी में नहाने के बाद आप लोगों को आगे भी वीडियो में सब कुछ दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ पर देखो यार भीड़ कितनी ठीक ठाक है और सब लोग एकदम नहा रहे हैं, सभी लोग नहाने के लिए आते हैं। और गाइस व्यवस्था तो एकदम ठीक ठाक है जैसे रहता है, कोरोना की वजह से बहुत लोग आ नहीं सकते, तो भाई जैसी आप लोगों की इच्छा, अगर आना चाहते हो आ सकते हो। भीड़ तो ठीक ठाक ही है, मतलब जैसे होती थी वैसे ही है। तो यार भाई लोग हम लोग आ चुके हैं एकदम बाहर, नहा धोकर अच्छे से कायदे से साफ़ सुथरा हो चुके हैं भाई। और यहाँ पर भीड़ देखो यार थोड़ा सा एकदम, हम लोग आप लोगों को थोड़ा इधर दिखाते हैं, यहाँ से थोड़ा आप लोगों को अच्छा लगेगा। भीड़ आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है, आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लो, भीड़ कुछ भी नहीं है। पिछले साल तो इससे भी ज़्यादा भीड़ हुई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ हुई थी, बस इस बार कोरोना की वजह से आप लोगों को मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ इस बार भीड़ नहीं है। लेकिन यार इंतजाम कोविड को देखते हुए बहुत ही अच्छी खासी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर आप लोगों को आगे बढ़ते हैं और दादाजी से मुलाकात करवाते हैं आप लोगों को। देश में जिस तरह से कोरोना फैल रहा है और प्रयागराज के पावन संगम तट पे विशाल विश्व का पहला माघ मेला यहाँ संपन्न हो रहा है, आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पे पहले स्नान पर मैं कोरोना परिधान पहनकर घूम घूम कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप मेला में प्रवेश करने के पहले मास्क अवश्य लगाएं और कोरोना जैसे
कीटाणु से दूर रहें। लोगों से ये भी अपील कर रहे हैं कि लोग हाथ न मिलाएं, हाथ के जगह हाथ जोड़कर अभिवादन करें और कोशिश करें कि दो गज की दूरी बनाए रखें। मेला प्रशासन, जिला प्रशासन ने जगह जगह पर कोविड कैंप लगाया है। 15 से 18 वर्ष के लोग उसमें पहुँच कर वहाँ पर अपना टीका लगाएं और 15 से 18 वर्ष और जो लोग दूसरी डोज नहीं लगाए हैं वो लोग भी वहाँ पर जाकर अपना डोज लगाएं और इस मेले को सकुशल कोरोना मुक्त कराएं। तो भाई लोग, मेला तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट पूरा घूम लिया और मेले में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, अगर आप किसी भी ग्रुप के साथ आते हो या अपने पेरेंट के साथ आते हो और उनसे बिछड़ जाते हो मेले में, तो यार यहाँ पर एक संगम टावर है जिस पर आप जाकर अपने गार्जियन का नाम बता दो या अपने फ्रेंड का नाम बता दो और वहाँ पर यार अनाउंसमेंट होता है पूरे मेले में, आपका फ्रेंड, आपके पेरेंट जहाँ कहीं भी रहेंगे आप उनसे वापस से मिल सकते हो। तो यार इसमें मेले में खो जाने का कोई डर नहीं रहता है, इससे आप लोग वापस से उनसे मिल सकते हो। तो यार ये सबसे अच्छी बात लगी मुझे मेले में। और आप लोगों को कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और सर को सपोर्ट करने के लिए सभी लोग यार वीडियो को लाइक कर लो और चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर सर के लाइव स्ट्रीम में और सर की हर वीडियो को पूरी देखा करो। सर आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं तो सभी लोग यार सर को सपोर्ट किया करो और वीडियो को लाइक कर लो, चैनल पर सब्सक्राइब कर लो और आगे भी अगर आप लोगों को ऐसी ब्लॉग चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, हम लोग आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी ब्लॉग लाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते अपनी अगली वीडियो में, तब तक लिए।